देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। एक तो टेंशन है कि एडमिशन होगा नहीं होगा, से मिल करके हमको पछतावा हुआ है। बिहार के नालंदा निवासी सोनू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा की मांग कर स्टार तो बन गया है, लेकिन ये नन्हा सा बच्चा अब कुछ परेशान भी है। वीडियो वायरल हुए एक हफ्ता होने को आया है, लेकिन अभी तक उसका कहीं एडमिशन नहीं हो पाया है। उल्टा सबने इंटरव्यू लेकर उसको परेशान कर दिया है। ये बच्चा इतना थक गया है कि बात करते हुए भी इसके आंसू निकल आए। बीते शनिवार को पत्नी मंजू सिन्हा की 15वीं पुण्यतिथि पर पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे नीतीश कुमार से 12 साल के सोनू ने कहा था कि वह भी IAS बनना चाहता है। स्कूल में मास्टर साहब देर से आते हैं और गप्पे मारकर जल्द चले जाते हैं। टीचर को अंग्रेजी नहीं आती। सोनू की इन बातों का वीडियो वायरल हुआ तो मदद के लिए कई हाथ बढ़े, कई लोग उससे मिलने पहुंचे। मीडिया ने उसको दिन रात घेरे रखा। मुख्यमंत्री के सामने पिता और अपने गुरु की पोल खोलने के बाद सोनू अब फोन और इंटरव्यू से परेशान है। गुरुवार को जब मीडिया वाले पहुंचे तो परेशान होकर सोनू ने कहा कि उसे किसी को इंटरव्यू नहीं देना है, उसको जल्द से जल्द सिमुलतला या सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए। सोनू ने कहा कि अब उसे CM नीतीश कुमार से मिलकर पछतावा हो रहा है। उसने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुझे सुरक्षा दी जाए। 5वीं कक्षा का छात्र सोनू हरनौल प्रखंड के नीमा कोल निवासी रणविजय यादव व नीला देवी का पुत्र है। सोनू की अब तक राज्यसभा सदस्य व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, लालू के विधायक बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व सांसद पप्पू यादव समेत कई नेता व अभिनेताओं से बात हो चुकी है। सभी ने उसकी मदद की बात तो कही है, लेकिन अभी तक भी उसकी एडमिशन कहीं नहीं हो पाई है। क्योंकि भाई हम चाह रहे हैं कि जैसा हमको आराम चाहिए, जैसा हम दिमाग माइंड फ्रेश करना चाहिए। हम भाई साहब को बोले हैं कि हम शाम को भाई आप लोगों का हम अच्छा से इंटरव्यू दे दूंगा। हम रोज बोल रहे हैं, सभी को हम बोल करके भेजाता हूँ। मुझे इंटरव्यू किसी को नहीं देना है और जल्द से जल्द मुल्तला या तो सैनिक में एडमिशन है। कल मेरा एडमिशन का प्रोसेस फटाफट शुरू किया जाए। हाँ, अब बताइए ना, इतना लोग घेरे हुए रहते हैं जिसमें कखनियों अगर हम इंटरव्यू देंगे ना तो हमको कखनियों चुप नहीं रहने का मौका मिलेगा। कखनियों ने वो तो जरसा सोए हैं तो थोड़ा हम बोलने का हिम्मत आया है, तो हिम्मत तक नहीं था। कल रात को सवेरे ही सो गए क्योंकि थके हुए ना रहते हैं। अब हिमाचल से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।